स्टूडेंट्स एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर अलेवन पॉइंट थ्री एंड द टॉपिक इज एलेक्ट्रिकल सिस्टम हारमोनिक्स ओवरव्यू हारमोनिक्स के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या होती है और रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास जो नॉन लिनियर एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा लीनियर एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं इन ए सी नेटवर्क फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन दोल्टेज अप्लाइड ठीक एंड द इम्पीडेंस तो ए सी नेटवर्क्स में ठीक है जो फ्लो ऑफ करंट है वो डिपेंड्स करता है वोल्टेज पर और इम्पीडेंस पर जो कि हम रेजिस्टेंस टू ए सी कह सकते हैं उसको ठीक है प्रोवाइडेड बाई लीनियर एलिमेंट्स लाइक रजिस्टेंसिस ठीक है या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव नेचर और हम ये कहेंगे कि लीनियर एलिमेंट्स में इम्पिडेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है नॉट लाइक नॉन लीनियर एलिमेंट्स हाउ अर इन रियल लाइफ सिचुएशन ठीक है वेरियस नॉन लीनियर डिवाइसेस, जिसमें इम्पिडेंस जो है वो करेक्ट्रिस्टिक उसकी वेरी होती है चेंज होती है जस्ट लाइक डायोड्स ठीक है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स जो हम रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं वो इसमें शामिल हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिस्टम्स इसमें शामिल हैं नॉन लीनियर डिवाइज में थायरस्टर्स की जो करटिस्टिक हैं वो नॉन लीनियर हैं वोल्टेज एंड करंट चॉपिंग सेचूरेटेड कोर रिएक्टर्स ठीक है वो शामिल हैं चॉपर्स इंडक्शंस एंड आर्क फर्नेसिस आर ऑल्सो डिप्लॉयड ठीक है ये फर्नेसिस की हम बात करें कि जिसमें जो हीटिंग के थ्रू मटेरियल को पिघलाया जाता है ठीक है वो फर्निस जो होती हैं आर आल्सो डिप्लॉयड फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स एंड दीज डिज खास डिस्टोर्शन ये डिस्टोर्शन पैदा करते हैं ड्यू टू नॉन लिनर प्रॉपर्टी ऑफ दीज डिज इन वोल्टेज एंड करंट वे फॉर्म्स विच इज ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न इन रीसेंट टाइम्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हारमोनिक्स जो हैं ये क्वालिटी ऑफ जिसे हम कहें वोल्टेज और करंट को डेटोरेट कर देते हैं तो हारमोनिक्स की बात कर लें हारमोनिक्स एस स्पाइक्स ठीक है स्पाइक्स होते हैं एट इंटरवल विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ़ द मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी कि जो मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उससे बढ़ के हैं उनको मल्टीप्लीकेशन करके ये स्पाइक्स पैदा होते हैं हारमोनिक्स के जो कि ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को कि मल्टीपल हो जाते हैं सो so उससे क्या होते हैं दीज डिस्टोर्ड दी प्योर साइन वेव जो ओरिजिनल साइन वेव होती है जो सिस्टम के लिए वर्क करती है उसको ही डिस्टोर्ड कर देते हैं ऑफ दी सप्लाई वोल्टेज एंड करंट ठीक है तो हम देख सकते हैं जैसे फंडामेंटल साइन वेव फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है लेकिन अगर हम हारमोनिक्स की बात करें तो दिस इज द डिफरेंट हारमोनिक्स लेवल्स जिसको हम कह सकते हैं जस्ट लाइक दिस इज द थर्ड हारमोनिक लेवल वी थर्ड हारमोनिक्स ऑफ द सिग्नल एंड दिस इज वट वी हैव अ फिफ्थ हारमोनिक ऑफ द सिग्नल तो वही बात है कि मल्टीबल्स ऑफ ओरिजिनल साइ वेव फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेकिन इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दीज आर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या मल्टीपल्स ऑफ द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हारमोनिक्स आर मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इफ फॉर एग्जाम्पल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्ट्स देन द फिफ्थ इज फाइव टाइम्स दैट फ्रिक्वेंसी मीन टू फिफ्टी हर्ट्स हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी लाइक वाइज द सेवंथ हारमोनिक इज द सेवंथ टाइम द फंडामेंटल और और इसी तरीके से सो ऑन फॉर हायर ऑर्डर हारमोनिक्स टोटल हारमोनिक डिस्टोरशन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं उसका फॉर्मूला देख लेते हैं द टोटल हारमोनिको टी एच डी भी कहते हैं ज द रेशो ऑफ दावरिक कंपोनेट्स ठीक है जितने पावर को सम करें और उसका पावर ऑफ देंटल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन दे फॉर्म और उसको हम एस्टिमेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला वन इज द करेंट फार्मूला एंड द सेकेंड वन इज द वोल्टेज फार्मूला तो अगर हम टी एच डी आई की बात करें करंट की बात करें दिस वन इज वन अपॉन आई वन एंड एन और ये अगर हम बात करें तो एन इज इक्वल टू 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 मैक्स बिकॉज फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रॉम सेकेंड टू हम स्टार्ट करें और मैक्सिमम तक एन हेयर आई एन होल स्क्वेयर और अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड और आई वन क्या है आई वन इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल क्रंट तो दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल

वेन हारमोनिक करंट्स फ्लो इन ए पावर सिस्टम दे आर नोन एज पावर क्वालिटी ऑफ पुअर पावर क्वालिटी मतलब ये कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा होगा हारमोनिक्स की हारमोनिक्स की प्रजेंटेशन उस करंट में मौजूद है और पावर सिस्टम के अंदर तो हम ये कहेंगे कि क्वालिटी जो पावर सिस्टम की वो पुअर है और इसी पावर सिस्टम क्वालिटी के लिए भी स्पेशल सब्जेक्ट्स जो हैं वो पावर सिस्टम के पढ़ाए जाते हैं अंडरग्रेड लेवल पे अभी शायद अवेलेबल नहीं है लेकिन स्पेशलिस्ट फॉर द एम एस एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पावर क्वालिटी का कोर्स बहुत बो, सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है या इसको हम कह सकते हैं इट इज़ डर्टी पावर ठीक है सो अदर काजेज ऑफ पुअर पावर क्वालिटी इंक्लूज ट्रांजियंट्स सच एज वोल्टेज स्पाइक्स ट्रांजियंट आ सकते हैं यकदम ठीक है जो स्पाइक्स आएंगे सर्जिज आएंगे सैग्स आएंगे और रिंगिंग्स भी हो सकती हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये हम कह सकते हैं कि डिस्टोरशन हैं जो कि सिग्नल्स के अंदर मौजूद होती हैं बिकॉज दे रिपीट एवरी साइकिल यही सबसे बड़ा इशू है कि ये हर साइकिल पर रिपीट करती हैं और इसकी रिपीटेशन चलती रहती है जिससे डिस्टोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और क्वालिटी जो पावर की है वो रिड्यूस हो जाती है हारमोनिक्स आर डिगार्डेड एज अ स्टेडी स्टेट काज ऑफ पुअर पावर क्वालिटी क्योंकि स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाए दैट वन इज स्टेडी स्टेट तो स्टेडी स्टेट हारमोनिक्स लेवल पे पावर क्वालिटी को स्लोली स्लोली नुकसान पहुंचाएगा मतलब इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इट स्टेडी स्टेट काज ऑफ पुअर पावर क्वालिटी हारमोनिक्स इज स्टेडी स्टेट काज ऑफ पुअर पावर क्वालिटी की वजह से पुअर पावर क्वालिटी वेन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज टी एच डी तो हम इसको कैसे इस फॉर्मूले की शक्ल में लेके आएंगे हम यहां देखें कि टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रोशन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इज इक्वल टू वी एन स्क्वेयर वेयर एन इज इक्वल टू 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 मैक्स एंड वी वन का होल स्क्वेयर इफ वी नीड द परसेंटेज तो मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो वी इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वोल्टेज एंड वी इज द हार्मोनिक वोल्टेज कंपोनेंट सो From these two formulas, we can calculate the total harmonic distortion of the power system. So, major causes of harmonics. Kya hai? Dekh hai. Devices that draw non-sinusoidal currents when a sinusoidal voltage is applied create harmonics. Frequently, these are devices that convert AC to DC, just like uh, converters. और अप्लाइंसिस जो हमारे पास हैं उसमें हैं और, और इसके अलावा क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं सम ऑफ दीज डिवाइस आर लिस्टेड बिलो तो पहली टाइप है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग पावर कन्वर्टर्स जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स हैं यू पी एस अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाईज सॉलिड स्ट्रेट रेक्टिफायर्स जो रेक्टिफायर्स हम यूज़ करते हैं ठीक है वो हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और पी एल सीज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास स्विचिंग के लिए और इसके अंदर काजिज़ हैं हारमोनिक्स की और किंग डिवाइसिस क्या हैं जस्ट लाइक डिस्चार्ज लाइटिंग ठीक है फ्लोरसेंट like जो लाइटिंग है उसकी जो डिस्चार्ज है वो इसमें शामिल है सोडियम एंड मर्करी वेपर ठीक है जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं ये सोडियम एंड मर्करी आर्क फर्नेसिस ये वो फर्नेस हैं जो छोटी से स्मॉल जिसे कहते हैं कि फर्नेसिस होती हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑन होती हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को पिघलाया जाता है जस्ट लाइक like चांदी सोना या और कीमती मटेरियल्स वेल्डिंग इक्विपमेंट्स ये आर्किंग पैदा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है ये पावर जो कंज्यूम करते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट और इसकी वजह से हारमोनिक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम जो कि ट्रेन सिस्टम में अक्सर इन्वॉल्व होता है uh, जहाँ पर अंडरग्राउंड जो ट्रेन की निचला हिस्सा है या छत के वाली साइड पे इसको कनेक्ट किया जाता है और ये ट्रैक्शन सिस्टम डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जन करता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू दी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम्स तो ये यूज़ होता है उसमें भी ये हारमोनिक्स के चांसेस काजेज़ होते हैं फेरोमैग्नेटिक डिवाइसेस जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स सेचुरेशन लेवल पर जब ये ऑपरेट कर रहा हो और इसके अलावा इंडक्शन हीटिंग जस्ट लाइक मोटर्स भी हैं और इंडक्शन आर्क भी हो सकती हैं अप्लाइंस में टीवी सेट्स जो हैं घर के एयर कंडीशनर्स वॉशिंग मशीन माइक्रोवेवन फैक्स मशीन फोटो प्रिंटर्स दीज ऑल आर द मेजर कॉजे ऑफ हारमोनिक्स और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं मेजर काजेस में

आर काज बाई हारमोनिक करंट्स ठीक है जैसे यहाँ बताया गया कि हारमोनिक करंट्स जो है वो पावर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स काज करता है और इसी तरीके से हाई आर एम एस करंट एंड वोल्टेज इन दिस्टम आर काज बाई हारमोनिक करंट्स विच कैन रिजल्ट इन एनी ऑफ दॉब्लम बिलो तो हम ये कहें कि ट्रांसफार्मर सेचुरेशन से क्या हो सकता है ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स और फ्लोरसेंट लाइट हो सकती हैं हारमोनिक रेजोनेंस से क्या हो सकता है कैपेसिटर फेलियर्स हो सकते हैं इंडक्टिव हीटिंग एंड ओवरलोड से क्या हो सकता है सर्कट ब्रेकर हो सकती है या जो मैग्नेटिक लोड होता है मोटर्स का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लोड फेलियर हो सकते हैं वोल्टेज डिस्टोरसन से क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शटिंग डाउन उससे बंद हो सकते हैं अगर वोल्टेज डिस्टोरशन आ जाए ड्यू टू दी हारमोनिक्स इंडक्टिव हीटिंग एंड ओवरलोड से क्या हो सकता है कि फ्यूज जो होते हैं ब्लोइंग फॉर नो ओपेन्ट रीजन जो फ्यूज लगे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स में वो ब्लो हो जाएंगे ठीक है क्योंकि इंडक्टिव हीटिंग और ओवर लोड से ठीक है जस्ट लाइक मोटर हीटिंग और इसकी तरह जो भी इंडक्टिव ओवरलोड हो जाए और उससे नुकसान ये होगा कि फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो जाएंगे विदाउट एनी रीजन और वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं अगर तो इसका नुकसान क्या हो सकता है कि मोटर फेलियर हो सकती है वोल्टेज ड्रॉप से मोटर पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है और उसकी क्वालिटी को और वर्किंग साइकिल को डिग्रेड कर सकती है और ओवर हीटिंग इज द मेन प्रॉब्लम ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप द नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव हीटिंग इसकी वजह से ट्रांसफार्मर फेलियर्स आ सकते हैं और और हीटिंग ऑफ मेटल इनक्लोजर्स जो भी जो मेटल के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफार्मर में उनकी ओवर हीटिंग की वजह से ट्रांसफार्मर भी फेलियर हो सकते हैं और उसके अलावा और भी नुकसान हो सकते हैं हारमोनिक नॉइजिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होगा वॉइस कम्युनिकेशन में विद रिस्पेक्ट टू पावर इंटरफेरेंस कि अगर ये नॉइस आ रही है हारमोनिक्स की पावर इंटरफेरेंस में तो इसका मतलब ये होगा कम्युनिकेशन में इशू आएगा और ठीक तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा ओवरकमिंग हारमोनिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है ट्यून्ड हारमोनिक फिल्टर्स जो कि कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं एंड रिएक्टर उनको यूज किया जा सकता है इन सीरीज आर डिजाइंड एंड अडॉप्टेड फॉर सप्रेसिंग हार्मोनिक्स ठीक है ट्यून्ड हार्मोनिक फिल्टर्स वो यूज किए जा सकते हैं हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग लो इंपीडेंस पाथ फॉर हार्मोनिक कंपोनेंट सेकेंड है द हार्मोनिक फिल्टर्स कनेक्टेड सीट्युबली नियर द इक्विपमेंट जनरेटिंग हार्मोनिक्स वहां कनेक्ट किए जाएं कि जहां पर कंफर्म हो कि इक्विपमेंट जो है उस पार्ट पर हारमोनिक जनरेट कर रहा है तो ये रिड्यूस कर सकता है टोटल हारमोनिक डिस्ट्रोशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेबल लिमिट्स द थर्ड वन इज कम्पैटिबिलिटी रेगुलेशन एग्जिस्ट एज एप्लीकेशन कि जो भी रेगुलेशन हैं कंपेटिबिलिटी के अगर वो एग्जिस्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हारमोनिक फिल्टर्स के हिसाब से इज वेरी रेलिवेंट फॉर इंडस्ट्रीज है डीजल पावर जनरेशन सेट्स एंड को जनरेशन सेट्स के हिसाब से तो so, यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हारमोनिक्स का थैंक यू